विद्यार्थियों को गुरुकुल में रह करके शिक्षा दी जाती थी। आज वही गुरुकुल का जो रूप है वो परिवर्तित रूप है। विद्यार्थियों को आज हॉस्टल में रह करके शिक्षा प्राप्त करने का एक अवसर पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है। आज मैं आपको हमारे हॉस्टल जो है उसकी संपूर्ण दिनचर्या किस प्रकार से सुबह से लेकर के शाम तक विद्यार्थी हॉस्टल में अपना संपूर्ण कार्य करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तो आज हम हमारे हॉस्टल में सबसे पहले अभी सुबह के जैसे बच्चों को 4:30 से 5 बजे के बीच में जगाया जाता है, उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे हॉस्टल जो है उसी में अब जो समय हो रहा है बच्चों को जगाने का उसके लिए मैं हॉस्टल इंचार्ज शंकरलाल जी और हमारे हॉस्टल वार्डन अशोक जी यहाँ उपस्थित हैं। किस प्रकार से विद्यार्थी हॉस्टल में रह करके और पूरा दिन जो है गुजारते हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपना टाइम टेबल और एक शेड्यूल बना रखा है उसकी जानकारी हम आप लोगों को देंगे। आइए, हमारे ये हैं हॉस्टल इंचार्ज शंकरलाल सिंह शेखावत जी। और शंकरलाल जी, आपके जैसे कि मैं आप आज आप बच्चों को उठाने वाले तो उससे पहले मैं आप लोगों के बीच में पहुंच चुका हूं, आप अपने शेड्यूल जो है उसको किस प्रकार से सेट करते हैं थोड़ा सा सर? अभी बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं, अभी मैं विशिल बजाऊंगा, हमारे बच्चे यहाँ से जगेंगे, जगने के बाद में जैसे पानी वगैरह पियेंगे, पानी पीने के बाद में वो फ्रेश होने जाएंगे, जैसे ही फ्रेश होने के बाद में वो अपने योगा के स्थान पर जाकर के वहाँ योगा करेंगे। फ्रेश होने के बाद में योग से आप इसकी एक प्रकार से शुरुआत करते हैं? जी सर, जी सर, बहुत अच्छा। जी सर, विशिल के साथ में सभी विद्यार्थी जो हैं वो उठते हैं, जग जाते हैं, उसके बाद में उनकी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। और ये कार्य हमेशा इनका लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच में इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। अब ये सभी बच्चे जो हैं वो पानी पियेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद में इनकी योग जो है इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ओके, और उसके बाद में ग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ हमारे पीटीआई जी जो है इन बच्चों को योग जो है इसकी प्रक्रिया से इनका सुबह की जो शुरुआत है वो करते हैं। अभी पीटीआई जी इन विद्यार्थियों को योग करवाएंगे, योग के बाद में फिर इन बच्चों का जो है ताकि दिन भर तंदुरुस्त रहें, दिन भर इनको किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं आए, इसके लिए योग से प्रक्रिया शुरू होती है। पीटीआई जी, सबसे पहले अपन वार्म अप करेंगे इसके अंदर। रिलैक्स, 2, 3। ये तो यार मैं भी करता रहता हूं, मैं कर दूं? 5, 6, 7। थ्री फोर फाइव सिक्स 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 1। आपकी मैं बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी कक्षा 11वीं 12वीं के साथ में डिफेंस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों का ये ग्रुप अलग बनाते हैं। वे बच्चे रनिंग के लिए जो फिजिकल ग्राउंड है वहाँ पहुँच जाते हैं, बाकी जो बच्चे हैं ये योग यहाँ करके और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हम चाहेंगे कि शंकरलाल जी आप उनको भी हमें एक बार उस फिजिकल ग्राउंड में लेकर के चलें जिससे कि वहाँ की प्रक्रिया को भी जान सकें। जी सर, हमारे जो फिजिकल वाले जो बच्चे हैं वो इन बच्चों से पहले लगभग 4:30 बजे के करीब यहाँ से जग करके और ग्राउंड में चले जाते हैं। हमारे फिजिकल ट्रेनर सर जो हैं वो उनको लेकर के जाते हैं, वहीं पे उनका फिजिकल इन बच्चों के उठने का जो समय उसमें लगभग आधे घंटे का आपने जी सर गैप कर रखा है। जैसा कि हॉस्टल में दो प्रकार के विद्यार्थी रहते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो
डिफेंस फाउंडेशन के लिए हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं। डिफेंस फाउंडेशन में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों का सुबह सबसे पहले उठना होता है, लगभग 4:30 बजे वो उठ करके, जैसे आप हम सब आए थे, मैं पहुँचा उससे पहले, हमारे इंचार्ज साहब ने उनको हमारे पीटीआई जी और फिजिकल इंस्ट्रक्टर के साथ में यहाँ ग्राउंड में भेज चुके। अब हम हमारे जो कैंपस है उससे और फिजिकल ग्राउंड जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ जो बच्चे हैं जो डिफेंस फाउंडेशन करते हैं 11वीं 12वीं के साथ में फिजिकल की प्रिपरेशन करते हैं, उन बच्चों के बीच में हम पहुँच चुके हैं। वो हमारा फिजिकल ग्राउंडर है, बच्चे सभी एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ। इन सब बच्चों के एक्सरसाइज एक्स आर्मी मैन हमारे जो सर हैं वो यहाँ उनको एक्सरसाइज करवा रहे हैं, उनका फिजिकल जो है वो रेगुलर हो रहा है, जैसे कि शंकरलाल जी उनको उठा करके पहले ही भेज देते हैं। और इन सब बच्चों का जैसे आप सब देख रहे हैं कि वो हमारे जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर जो हैं वो लगातार उनको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। यहाँ बच्चों के लिए सब भी इंस्ट्रूमेंट जो भी चाहिए फिजिकल से रिलेटेड, ये ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक के ऊपर बच्चे रनिंग करते हैं, उसके बाद में उनके फिजिकल से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज करवानी होती है वो सब एक्सरसाइज हमारे फिजिकल इंस्ट्रक्टर करवाते हैं। हम उनसे चल करके बात करेंगे। हाँ शंकरलाल जी, हम पहुँच चुके हैं फिजिकल ग्राउंड में, क्या क्या किस किस प्रकार से करवाते हैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम है हवलदार बुधराम, एक्स आर्मी। इनको सुबह 4:30 बजे बच्चों को एकत्रित किया जाता है अपने विद्यालय प्रांगण में, वहाँ से इनको लेके आते हैं। अपना जो ग्राउंड है ये विद्यालय से लगभग 1.6 किलोमीटर है, जो विद्यालय से इनको वहाँ से गो करते हैं टाइमिंग के हिसाब से। टाइमिंग एक बार हफ्ते में एक बार ली जाती है, हफ्ते में एक बार आप टाइमिंग जो है वो लगा देते हैं बच्चों की एक बार। तो वहाँ से लेके जो ग्राउंड तक पहुँचते हैं तो इनका टाइमिंग के हिसाब से हफ्ते में एक बार दौड़ा लेते हैं, बाकी इनको नॉर्मल लाते हैं। दौड़ने के बाद अपने ग्राउंड पे इन करते हैं। इन करने के बाद इस ग्राउंड के अंदर भी आप देख सकते हो, उसमें भी एक बाउंड्री है, मतलब ये ट्रैक है, इसमें 320 मीटर का ये ट्रैक। जो सूट लगाना चाहते हैं उनको सूट लगवाते हैं पहले, तो बाद इनको लगाते हैं हम बीम पर। फौज के अंदर भी बच्चे 1, 2, 3, 4 जगह चार सेट बना देते होंगे। चार सेट है बीम के, जो नंबर 1, 2, 3, 4 इन चारों बीम के ऊपर हम बीम लगवाते हैं। बीम मिनिमम 6 होती है लगानी टोटल, वैसे टोटल एक्सीलेंट के लिए 10 चाहिए इनको, पर मिनिमम जो भी लड़का अगर करेगा तो 6 तो होनी चाहिए, 6 से नीचे है तो फेल है। उनके लिए फिर अलग से तैयारी करानी होगी या तो उनको अलग से ज़्यादा गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। बीम के बाद हम कराते हैं रोप, जो रोप आपके पीछे इस साइड में है सामने का रोप, इसके ऊपर बच्चे जो है रस्सी से चढ़ते हैं। ये होता है 9 मीटर का, 9 मीटर रोप। इसके बाद कराते हैं ये जो बैलेंस वाला, जो बच्चा बैलेंस एक करके। बार आप ये सब जो प्रक्रियाएं आप करवाते हैं आज रिपीट करके दिखा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं भाई, जैसे आपके बच्चे भी हैं, हम लोग आए हुए हैं, तो जो जो एक्सरसाइज आप करवाते हैं, जो जो फिजिकल की एक्टिविटीज आप करवाते हैं, हाँ जी, हम चाहेंगे कि आप एक बार बच्चों का नॉर्मल एक बार करवाएं, जिससे अलग अलग जो सूट आप करवाते हैं हम भी उसको देख सकें और हमारे दर्शक भी देख सकें। बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट साइड से ये जो अभी बच्चे आपके यहाँ आए हैं सभी फाउंडेशन के बच्चे हैं और ये बीम लगाएंगे, तो बेटा शुरू करें एक बार। अब ये बच्चे बीम के लिए आ गए, बीम के लिए अप, 1, 2, down, 3, down, 4, down, 5, down, 6 Very good. Relax. Next, up. एक साथ. 1, down, 2, down, 3, down, 4, down, 5, down, 6. इसका मतलब ये है बुधराम जी, आपका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे हैं लगभग 6 तक तो आपने फाउंडेशन में ही इनको तैयार कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, कई बच्चे मैंने देखे हैं कि वो तो 10 तक भी पहुंच रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। सेकंड जो एक्सरसाइज आप करवाते हैं एक बार उसका भी हमें थोड़ा सा दिखाइए। सेकंड रोप करा देते हम, नेक्स्ट रोप। रोप मतलब इस रस्से के ऊपर जो है कि बच्चे रेगुलर चढ़ते हैं, हाँ, फिर वापस उतर जाते हैं। ये प्रैक्टिस आप इनको यहाँ फाउंडेशन जो चल रहा है आपके यहाँ डिफेंस का, उसके फिजिकल में ये भी आप करवाते हैं। फटाफट चलो बेटा, ये बच्चे जो है इनको आप प्रैक्टिस पहले करवा चुके? हाँ, आज सुबह हो चुके हैं इनका एक बार।
ठीक है ठीक, जो अभी सेकंड टाइम करेंगे ये। चलो अप गुड बस डाउन आराम से डाउन वेरी गुड। इसमें दो तरह से होता है, एक तो ऐसे भी होता है, दूसरा पैर लगा के भी चढ़ते हैं। जो आप है इस पर बैलेंसिंग हाँ। का कार्य वहाँ बच्चों को सिखाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बैलेंस का कार्य, कैसे बॉडी बैलेंस का बैलेंस करके बच्चे अपने आप को बैलेंस करने का प्रैक्टिस करते हैं। एक बार बेटा फटाफट आओ, आप हॉस्टल से इन बच्चों को लेते हैं, लगभग वहां से 1600 मीटर दूरी पर आप इनको रनिंग करवा के लेकर आते हैं जी। सबसे पहले आप यहां लाकर के इन बच्चों को रनिंग करवाते हैं हाँ, वहां से 1600 मीटर होने के बाद यहीं लाते हैं। आपके यहाँ जो फिजिकल ग्राउंड है इसमें शुरुआत जो है वो रनिंग से होती है, रनिंग उसके बाद में कंप्लीट जो एक्सरसाइज है जैसे वो बैलेंसिंग का है चाहे बीम का है बीम हो, रोप इस प्रकार से आप फाउंडेशन में बच्चों को डिफेंस के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं आए। एक बार इनकी रनिंग जो है वो शुरू करवाएं, हम भी देखना चाहेंगे कि आप रनिंग किस प्रकार से इन बच्चों को करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रनिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, और रनिंग के लिए इनको बता रखा है एक चीज और, रनिंग करते टाइम इनको बता रखा है बॉडी वेट थोड़ा हल्का कमर से झुका के, ताकि उससे रनिंग का इनको ज्यादा फायदा मिले, उससे क्या बढ़ती रनिंग, मतलब अच्छी रनिंग कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी कवर करें। इसके हाँ। लिए आप इनको अपने जीवन के जो अनुभव है जी, आपकी सर्विस के जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों को बताते रहते हैं, जिससे वो कम समय में ज्यादा दूरी को तय कर सके। हाँ जी, जी जो इनका टाइमिंग कम आएंगे लगभग ये 1600 मीटर की जो दूरी है उसमें आपके जो बच्चे लगभग कितने समय में उसको, सबसे कम समय जो बच्चा ले रहा है वो कौन है? सबसे कम तो 440 का डीपी का था, 440 हाँ जी, वेरी गुड। फाउंडेशन में अगर 440 पर है बहुत शानदार। लगभग सभी बच्चे किस समय में इसको कवर कर लेते हैं, एवरेज एक टाइम की? एवरेज लास्ट इनका 550 से 540 तक लास्ट है, मतलब 6 के अंडर अंडर इनका लास्ट 6 के से पहले बिल्कुल 6 के अंडर जो है, इनमें छोटे बच्चे भी ज्यादा गर्म बीट कर लेते हैं। आप सब सभी वेरी गुड, आपने अच्छी प्रैक्टिस करवा रखी। एक बार मैं चाहूंगा कि आप एक बार हम लोगों को भी दिखाएं, आज हम आपके बीच में आए हैं तो हम भी देखें बच्चे किस प्रकार से आप रनिंग करवाते हैं। रेडी गुड खींच के खेंच गए जोश है जोश है जोश है, बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 इंकलाब इंकलाब इंकलाब। बच्चों को आप फिजिकल ग्राउंड से भी लेकर के आए हो, फिजिकल आपने हमने देखा बहुत अच्छा फिजिकल वहाँ करवा रहे हो, सब बच्चे बड़े जोश के साथ में वहाँ फिजिकल कर रहे थे, यहाँ आप लेकर आए और यहाँ एकत्रित कर रखा है, अब क्या करेंगे आप? अब नेक्स्ट इनको लास्ट फाइनली इनको जो डेली रूटीन के हिसाब से चने डिस्ट्रीब्यूट करके और अपने अपने तैयार होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, भिगोए हुए जो चने इनको देते हैं उसका रीजन क्या है? उससे स्टेमिना बढ़ती है और जो शरीर में जो एनर्जी जितनी खत्म हुई है जो इससे रिकवर हो जाती है,
मतलब बच्चों को रनिंग करने के बाद में यदि आप माना चने या मूंग देते हैं, उले हुए देते हैं या माना ये भीगे हुए चने देते हैं, तो स्टेमिना बढ़ता है ताकि इनको समस्या नहीं आए। हाँ, तो बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, बच्चे जो है वो एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद में थोड़ी स्टेमिना बढ़े, इसके लिए चने जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चने खासकर दौड़ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, इसके बाद में फिर ये बच्चे ना करके पढ़ाई के लिए जाएंगे जी सर, और फिर ब्रेकफास्ट करके और स्कूल पहुंचते हैं जी सर। शंकरलाल जी, जी सर, आपने मुझे सुबह से आज हॉस्टल विजिट करवा रहे हैं, मैं लास्ट में ये भी जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे निश्चित है पढ़ाई के लिए आपके पास में यहाँ पहुँच रहे हैं जी सर, हमारे अच्छी एजुकेशन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाओं के लिए आपके पास में आप पहुंच रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कोई बच्चे जो हैं जिनमें आप अलग अलग जो स्टेट हैं उनसे आप मेरे को कुछ बच्चों से मिलवाएं। जैसे हरियाणा से आपके पास में कोई बच्चा है? जी सर, हमारे पास में हरियाणा से बच्चा है, प्रीत बढ़ाना। नाम क्या है बेटा? प्रीत बढ़ाना। प्रीत बढ़ाना कहाँ से हो? हरियाणा में गुरुग्राम से है। कौन सी क्लास है? समस्या क्या है बेटा ये बताओ, कोई प्रॉब्लम है हॉस्टल में? पढ़ाई कैसी है? घर का जैसा माहौल मिलता है? बहुत अच्छा, थैंक यू। इसी प्रकार से आपके पास भिवाड़ी हो गया, टपुकड़ा हो गया? जी सर, भिवाड़ी से भी हमारे पास में बच्चे हैं। हाँ, भिवाड़ी से बेटा, बेटा? यहाँ आओ, नाम बताओ। विपिन कुमार, क्लास 10th क्लास, भिवाड़ी से हो? पहले कहाँ पढ़ते थे आप? सर, MPS में। MPS स्कूल भिवाड़ी सर। यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ पे 3 महीने। इस साल आपने यहाँ एडमिशन लिया है, ठीक है। अच्छा, आपके पापा शहीद हुए थे, वो ये पापा का नाम? गजेंद्र कौशिक। गजेंद्र, मैं बताना चाहूँगा कि इस बच्चा जो है इसके पापा जी जो है वो शहीद हो गए थे, और ये बच्चा जो है हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए आया है। बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की, कोई समस्या, आप क्या कहना चाहेंगे हॉस्टल के बारे में? सर, हॉस्टल बारे में ये कहना चाहूँगा, हॉस्टल बहुत अच्छा है और यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है काफ़ी। बहुत अच्छा, थैंक यू। बेटा, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से कोई बच्चे हैं? जयपुर डिस्ट्रिक्ट से? हाँ, बुलवाए शंकरलाल जी को। जयपुर जिले से कोई बच्चे हों? जयपुर से आओ। अलग अलग जिले से, अलग अलग तहसीलों से, अलग अलग स्टेट से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहने के लिए आते हैं, और मैं चाहूँगा कि वो जो बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी पढ़ाई जो है वो चल रही है, इसके लिए हम उनसे बात करना चाहेंगे। बेटा, नाम क्या है? राहुल खटाना। राहुल खटाना, क्लास 12। यहाँ कितने साल से रह रहे हो? सर, मेरे 36 साल है। 6 साल से यही रह रहे हो? सर, कंटिन्यू 6 साल से ये बच्चा मेरे पास में। मतलब 6 साल से आपके पास में बच्चा पढ़ रहा है? जी सर। बेटा, 6 साल का अनुभव बताएं, आप RCI में आप यहाँ रह रहे हैं, 6 साल से आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो 6 साल का अनुभव बताएं। सर, यहाँ पर अच्छा वातावरण मिलता है पढ़ने के लिए भी, पढ़ने के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी जैसा माहौल मिलता है हमारे को, और वहाँ पर रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूम भी बढ़िया फैसिलिटी के हैं, और वहाँ पर वातावरण भी अच्छा है हॉस्टल का भी, और वार्डनर सर भी सजग हैं, और PTA सर सब सजग हैं, यहाँ पर ट्यूशन भी कंटिन्यू चलते हैं। इसी पुराने ज़माने में बेटा एक हॉस्टल के रूप में एक गुरुकुल चला करते थे, नहीं सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन सुना, पहले पढ़ाई के लिए गुरुकुल की व्यवस्था दी जाती थी, तो क्या आपको महसूस होता है कि गुरुकुल की व्यवस्था के अनुसार ही आप लोग हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रहे हो? गुरुकुल जैसा माहौल मिलता है, मतलब आपको 6 साल से वहाँ, नहीं तो निश्चित अगर प्रॉब्लम होती तो 6 साल से आपके पास कैसे होता? जी सर, बहुत अच्छा। ऐसा और भी कोई बच्चा है जो 2-3-4 साल से रह रहा है? जी सर, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उसको भी बुलवाइए। रवि, नाम बताओ बेटा। रवि छावड़ी। रवि छावड़ी, क्लास 12th बायोलॉजी। कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ? मेरे को 4 साल हो गए सर। 4 साल से आप इसी हॉस्टल में रह रहे हैं, आप भी अपने थोड़े से अनुभव बताइए कि किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं, 4 साल में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या व्यवस्थाएं आपको अच्छी लग रही हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? सर, यहाँ पे 4 साल से रह रहा हूँ मैं, यहाँ पे अच्छा वातावरण है, और यहाँ पे खेलने के लिए बास्केटबॉल और काफ़ी ग्राउंड्स हैं यहाँ पे खेलने के लिए। हाँ, मुझे ध्यान आया खेल से, ये बच्चा तो स्पोर्ट्स में भी है ना? जी सर। आपका इंटरेस्ट किस खेल में है? मेरा खो खो में है सर। खो खो में है, बीच में ये स्पोर्ट्स के लिए बच्चा गया था। इस बच्चे ने शील्ड भी ली है, गोल्ड मेडल भी लिया। अच्छा, आपके हॉस्टल में ऐसे भी कोई बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में बाहर गए हों खेलने के लिए, और बच्चों ने गोल्ड या सिल्वर मेडल आप लोगों के लिए स्कूल के लिए प्राप्त किए हों, ऐसे कोई बच्चा है? बहुत सारे बच्चे हैं, बुलवाइए एक बार कोई बच्चे। आओ बेटा, थैंक यू। आप भी आओ। हाँ बेटा, नाम बताओ। हिमांशु मक्कड़।
हिमांशु क्लास 12th एग्रीकल्चर। कहाँ से हो बेटा आप? जिला कौन सा? जिला जयपुर। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। तो स्पोर्ट्स में किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट? कबड्डी में गए थे। तो यहाँ कबड्डी की प्रैक्टिस आपको सर ने करवाई है। कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ? दो साल से आप हॉस्टल में रह रहे हैं। किस प्रकार से महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहा हूँ, यहाँ पे वातावरण बढ़िया है, यहाँ पर पढ़ाई बढ़िया होती है। सब्जेक्ट क्या बताया? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में आपने आगे क्या विचार कर रखा है? बीएससी जेट और आईसीआर करके आप बीएससी करना चाहेंगे। तो स्पोर्ट्स मतलब आपका कहने मतलब है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स जो है उसकी प्रैक्टिस भी हॉस्टल में करते हैं। जी सर। बहुत अच्छा। बेटा आपका नाम? मेरा नाम सरजीशान खान। सरजीत जीशान खान। जीशान खान, बहुत अच्छा। तो बेटा आप हैं कहाँ से? मैं तिजारा। तिजारा से हैं। यहाँ कब से रह रहे हो? दो साल से रह रहे हैं। स्पोर्ट्स में अभी? स्पोर्ट्स में किस में इंटरेस्टेड है आपका? बास्केटबॉल जो है इसमें। तो बास्केटबॉल का जैसे आप हॉस्टल जो है उसका बास्केटबॉल का ग्राउंड है, वॉलीबॉल का जो ग्राउंड है, इवनिंग में जो बच्चे हैं बास्केटबॉल, जिन बच्चों का बास्केटबॉल में इंटरेस्ट रहता है वो बास्केटबॉल खेलते हैं, जिन बच्चों का वॉलीबॉल में इंटरेस्ट रहता है वॉलीबॉल, जिनका कबड्डी में रहता है कबड्डी, क्रिकेट में रहता है वो क्रिकेट। तो इस प्रकार से अलग अलग एक्टिविटीज जो है आप बच्चों को करवाते रहते हैं। जी सर। मैं ये भी अच्छी बात है ये कि इससे बच्चा क्या है कि अपने आप को बोर महसूस नहीं करता है वो खेल के माध्यम से। और शाम को लगभग कितने टाइम आप इनको खिलाते हैं? एक घंटे। लगभग एक घंटे बच्चे खेलते हैं। जी। तो बेटा बास्केटबॉल में कहीं खेलने के लिए गए आप स्कूल की तरफ? कहाँ? अलवर गए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलवर आप जब गए थे उस समय आप बास्केटबॉल टीम के साथ गए, बहुत अच्छा। इसके अलावा थैंक यू बेटा। इसके अलावा और कोई डिस्ट्रिक्ट से कोई बच्चे हों? जी सर, ये हमारा सीकर डिस्ट्रिक्ट से है सर। सीकर डिस्ट्रिक्ट से? वाह, मतलब सीकर से भी बच्चे हैं बेटा। सीकर से हो आप? नाम बताओ। रामबीर सिंह। क्लास 7th बी का रामबीर सिंह है, सीकर डिस्ट्रिक्ट से, बानसूर में पढ़ाई के लिए यहाँ आया है। निश्चित है एक अच्छी पढ़ाई के लिए ही सीकर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ कर करिए अलवर डिस्ट्रिक्ट के बानसूर में पहुँचा है। बेटा यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? तुम सीकर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके यहाँ आए हो, आपको यहाँ के लिए सजेशन किसने दिया, या आपके पापा जी ने कहा, या फिर आपने किसी से मालूम किया? अच्छा, मौसी जी ने आपको बताया कि आपको यहाँ आरसीआई स्कूल जो है बहुत अच्छा स्कूल है, उसमें आप पढ़ने के लिए आए। तो आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? इसी साल हैं। क्या समस्याएँ आ रही हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? मस्त हो, खुश हो, हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं है? थैंक यू। और कोई? सर, ये बच्चा हमारा भरतपुर से है, भरतपुर में रामगढ़ से है। भरतपुर से? नाम क्या बेटा? यशवंत। ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से है। मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग तहसील से, अलग अलग स्टेट से बच्चे यहाँ पढ़ाई करने के लिए यहाँ हॉस्टल में इनके पास में पहुँचते हैं। निश्चित है बहुत ही अच्छा माहौल जो है इन बच्चों को दिया जाता है, इसीलिए बच्चे जो हैं और पेरेंट्स जो हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे और पेरेंट्स को किसी प्रकार की कोई समस्याएँ नहीं आए। और भी कोई बच्चा आप जाएंगे भाई? जो बच्चा है सर, जिसको बहुत सारे बच्चे हैं। नाम बताओ बेटा। नीतीश कुमार। कहाँ से हो? रामगढ़ जयपुर। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में रामगढ़ जो है वहाँ से बच्चा हमारे बीच में है। क्लास कौन सी बेटा? 12th बायोलॉजी। कितने साल से रह रहे हो आप? दो साल से आप यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं। और अब आप पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताएं, सुविधाओं के बारे में नहीं, पढ़ाई के बारे में बताएं, पढ़ाई का माहौल कैसा है? पढ़ाई का माहौल अच्छा है, अच्छी तरह से हमारी एक्स्ट्रा लगती है और डाउट क्लियर होते हैं पढ़ाई शाम को। एक्स्ट्रा जो क्लासे हैं वो आपकी रेगुलर लगती हैं? शंकर लाल जी। जी सर, हमारी क्लासे अभी फिलहाल चालू हैं सर, अभी भी हमारी क्लासे चल रही हैं। एक्स्ट्रा क्लासे इस समय चल रही है? जी सर, मतलब मॉर्निंग और छुट्टी के बाद में आपके यहाँ जो और इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लासे चलती हैं, कंपलसरी रहती है। आपका सब्जेक्ट क्या बताया? बायोलॉजी। आपके एक्स्ट्रा किस किस की लगती है? हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश। फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश की एक्स्ट्रा लगती है। शंकर लाल जी, मैं चाहूंगा कि आपके एक्स्ट्रा जो क्लासे चल रही है तो एक बार आप हमें एक्स्ट्रा क्लास भी विजिट करो। जी सर, थैंक यू बेटा। गलाल जी, जैसे कि अभी अभी बच्चों ने बताया कि उनके यहाँ ट्यूशन की व्यवस्था जो है रेगुलर है, और आपने मुझे बताया कि अभी ट्यूशन जारी है, यानी इस समय ट्यूशन चल रहे हैं, तो एक बार हम चाहेंगे कि आप ट्यूशन की जो क्लासेस हैं वो भी विजिट करवाएं। जी सर, ताकि हम ये देख सकें कि बच्चे जो हैं और पेरेंट्स को पता चले कि भाई किस प्रकार से बच्चों की ट्यूशन की कक्षाएँ रेगुलर चलती हैं। तो पहले आप जी सर, इधर जो आपका रूम है इसमें मुझे लगता है कोई क्लास चल रही है? जी सर। और इसमें कोई पढ़ा रहे हैं? जी। ये जो हॉस्टल के बच्चे हैं इनकी ट्यूशन की, छोटे बच्चों की क्लासें, मुझे लगता है छोटे बच्चे जो है, छोटे बच्चों की क्लासें यहाँ चल रही हैं और मैडम यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। मैडम एक मिनट, आप
आपके पास में जो बच्चे बैठे हुए हैं हॉस्टल के कौन से क्लास के बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं, 8वीं 9वीं के बच्चे हैं। तो आप मैथ पढ़ा रहे हैं, तो पर डे इनका रेगुलर जो ट्यूशन है मॉर्निंग में लेते हैं आप, तो इस ट्यूशन में और क्लास की क्लास में जो आप पढ़ाते हैं स्कूल में, इसमें आप अंतर क्या करते हैं? उसी बात को रिपीट करते हैं या बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं? जो बातें इनको क्लास में किसी कारण समझ में नहीं आई तो वो बातें आप यहाँ जो क्लास एक्स्ट्रा लेते हैं इसमें बच्चों को डाउट क्लियर करवा देते हैं। बेटा नाम क्या है? अजय कुमार। अजय कुमार ट्यूशन रेगुलर चलता है? किस किस सब्जेक्ट का चलता है? इस समय मैथ का और इवनिंग में इंग्लिश का और राइटिंग का क्लास चलता है। तो इसका राइटिंग का क्लास हो गया, इंग्लिश का हो गया, बहुत अच्छा मैडम पढ़ाइए, बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा पढ़े बेटा शंकरलाल जी। इसके अलावा और भी मुझे लगता है कुछ क्लासें अभी मॉर्निंग में चल रही हैं आपका, मतलब है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी दोनों समय टाइम लगता है टीचर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप क्लासें एडजस्ट करते हैं भी, मुझे लगता है कोई क्लास चल रही है सर। और ये अच्छा फिजिक्स में सर यहाँ जी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं जी सर। सर एक मिनट, अच्छा फिजिक्स ये ट्यूशन चल रहा है जी सर। कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 12th साइंस, हिंदी मीडियम। बेटा नाम क्या है? दीपांशु। फिजिक्स का ट्यूशन जो सर पढ़ा रहे हैं इसमें क्लास की जो बातें उसी को रिपीट करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर ज़्यादा करते हैं? जो क्लास में समझ में नहीं आता किसी कारण से आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो वो आपको या हॉस्टल में सर जो क्लास लेते हैं उसमें डाउट्स क्लियर कर देते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू, कोई समस्या है नहीं। सर आपका जो ट्यूशन चलता है वो मॉर्निंग में चलता है या इवनिंग में भी चलता है? मॉर्निंग में चलता है सर, इवनिंग में भी चलती है। इवनिंग में दूसरे सर लेते हैं, आप मॉर्निंग में जो है ये क्लास लेते हैं। थैंक यू। यहाँ भी कुछ क्लासेस चल रही हैं शंकरलाल सर, यहाँ भी क्लास, ये मुझे लगता है कि जैसे बच्चे बैठे हैं ये ब्लॉक ई इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसमें बैठे हैं, उनकी क्लास चल रही है सर। हम चाहेंगे कि इस क्लास को भी विजिट करें। ये यहाँ जो क्लास चल रही है वो ब्लॉक ई यानी इंग्लिश मीडियम की जो क्लास है वो हॉस्टल के बच्चों की चल रही है और सर जो है केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। सर एक मिनट, सर सैनी जी हमारे यहाँ केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। सर कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 12th क्लास। अच्छा ब्लॉक ई के जो बच्चे हैं वो आपके पास में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बेटा नाम क्या है? विकास कुमार। तो हॉस्टल का जो शेड्यूल है उसमें आपको सुबह से सर ने बिजी कर रखा है, मैं देख रहा हूँ कि सुबह आप 4:30 बजे उठे, उसके बाद में आप फ्रेश हुए, फिर आपको पहुँचा दिया योगा के लिए, योगा के बाद में फिर आप लोग नहा धो करके आए पढ़ने के लिए पहुँच गए, उसके बाद में ब्रेकफास्ट किया, फिर आपके ट्यूशन शुरू हो गए। तो आपको फ्री टाइम भी देते हैं या लगाए रखते हैं? फ्री टाइम मिलता है, कब मिलता है? शाम को 1 घंटा। उसमें क्या करते हैं आप लोग? खेलते हैं। आपका इंटरेस्ट किस में है स्पोर्ट्स में? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कभी खेला? कहाँ गए खेलने के लिए? अच्छा टीम जो आपकी गई उसमें आप बास्केटबॉल में खेलने के लिए गए हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। किसी टीचर की आवाज़, मुझे लगता है यहाँ भी कोई ट्यूशन चल रहा है जी सर। यहाँ किस सब्जेक्ट का? मैथ की क्लास चल रही है सर। यहाँ मैथ की क्लासें यहाँ चल रही है जी सर। एक बार हम चाहेंगे कि मैथ के लिए भी यहाँ पहुँचे। ये मैथ के लिए हमारे यहाँ भीम सिंह जी जो है मैथ की क्लास हॉस्टल के बच्चों की ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? हिमांशु कुमार। तो ट्यूशन जो चल रहा है वो कौन कौन से सब्जेक्ट का चलता है आपका? मैथ इंग्लिश और साइंस के ट्यूशन आपके चलते हैं। मॉर्निंग में ट्यूशन किस किस का होता है? मॉर्निंग में सर मैथ का करवाते हैं और इंग्लिश का नाइट में चलता है। फिर साइंस, अच्छा जब आपकी छुट्टी हो जाती है उसके बाद में आपका साइंस का। तो ये शेड्यूल आपने बना रखा है कि जैसे टीचर और बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आए और उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम टेबल सेट कर रखा है जी सर। बच्चा जैसे मॉर्निंग में अगर हमारा टीचर जल्दी आ जाते हैं स्कूल लगने से पहले आप इनका मॉर्निंग में ट्यूशन, जैसे सर मैथ का ट्यूशन करवा रहे हैं, छुट्टी के बाद में बच्चे साइंस का ट्यूशन करेंगे और उसके बाद में इवनिंग में इंग्लिश वाले। तो इवनिंग में नाइट में वो सर कैसे आते हैं? नाइट में वो सर हमारे यहीं पर रहते हैं। अच्छा सर रेजिडेंशियल यहाँ रहते हैं इसलिए वो यहीं बच्चों को नाइट में पढ़ा देते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। सिट डाउन बेटा।
वो बच्चे जिन्होंने योग किया, यानी जो डिफेंस फाउंडेशन नहीं करते हैं, वो बच्चे नहा करके और अब आपके यहाँ पढ़ने के लिए पहुँच चुके हैं? जी सर, हमारे वो बच्चे जो हैं लगभग 5:15 बजे के करीब हमारे बच्चे सारे क्लियर हो जाते हैं, ना धोकर के रेडी, और लगभग 5:15 बजे के करीब हम अपने क्लासरूमों के अंदर पढ़ाई के लिए आ जाते हैं। मैं बता दूं आपको कि बच्चे जो हैं हॉस्टल में जो खुद का रूम होता है उसमें बच्चे रात को सोने के लिए जाते हैं, इन बच्चों के पढ़ने की जो पूरी व्यवस्था है वो यहाँ क्लासरूम जो है इसमें सेपरेट सेपरेट टेबल जो होती है उनके ऊपर बच्चा बैठ करके और अपनी पढ़ाई करता है। ये कार्य वो सुबह भी करता है, जैसे सुबह लगभग 2 घंटे, ऐसे ही शाम को जैसे 7 बजे खाना लेने के बाद में लगभग 2-2.5 घंटे शाम को बच्चे सेल्फ स्टडी के लिए क्लासरूम में यहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो क्लासरूम जो है उनको विजिट करें, किस प्रकार से बच्चे जो अलग अलग जो रूम्स हैं उनमें पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार आप हमें विजिट करवाइए। जी सर, ये छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये 6th, 7th, 8th के जो बच्चे हैं, ये बच्चे हैं जो अपने सेल्फ स्टडी जो है ये बच्चे यहाँ शाम को भी करते हैं और सुबह भी करते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ने में लगे रहते हैं। बेटा नाम बताओ। यशवंत। इवनिंग में कितने घंटे आते हो यहाँ शाम को? 3 घंटे। और सुबह? 9 घंटे। तो ये क्या है, पढ़ाई का जो कार्य है वो बच्चे बहुत अच्छा, बैठो। पढ़ाई का जो कार्य है जो आपके बच्चे हैं ये क्लासरूम में आ करके और यहीं बैठ जाते हैं ताकि दिन में यहाँ क्लासें लगती हैं। जी सर। और शाम को और सुबह जो है बच्चे जब हॉस्टल से फ्री हो जाते हैं उसके बाद में पढ़ने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। जी सर। इसी के साथ में कुछ बड़े बच्चे जो हैं जो बोर्ड की कक्षाओं के हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ इस पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से शांतिपूर्वक बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं। इनका जो टाइम टेबल है वो एडजस्ट आपने कर रखा है। नाम क्या बेटा, नाम बताओ। रवि कुमार। क्लास 12th। हाँ बेटा, आपका नाम? रवि सावड़ी। कितने घंटे पढ़ते हो? 2 घंटे। 2 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम को। रूम में सोने के लिए जाते हो? सोने के लिए रूम में जाते हो? नहीं, तो हॉस्टल का शेड्यूल खड़े हो एक बार आप बताओ। आपके हॉस्टल का हो सकता है, वार्डन साहब मुझे अलग बता रहे हो, हॉस्टल के शेड्यूल में आप बताएं, ट्यूशन का, शाम को आपके खेलने का, सुबह आपके उठने का, एक बार पूरा प्रक्रिया सुबह से लेकर के रात को सोते हैं तब तक की प्रक्रिया बताओ। सुबह हम सुबह 4:30 बजे क्लास में उठ जाते हैं और उसके बाद फिर सोते हैं। फिर सोने के बाद हमारे पीटी सर हमारे को योगा व्यायाम करवाते हैं और उसके बाद नहाने के लिए चले जाते हैं और नहाने के बाद जैसे तैयार होते हैं, तैयार होते ही सीधे क्लासरूम में पहुँच जाते हैं स्टडी करने के लिए और 2 घंटे यहाँ पे स्टडी करके और फिर नाश्ते के लिए जाते हैं। बहुत अच्छा। उसके बाद में स्कूल पहुंच जाते हैं आप? उसके बाद स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल के बाद में आपके ट्यूशन जो है वो किस किस सब्जेक्ट के चलते हैं? सुबह केमिस्ट्री का लगता है और छुट्टी के बाद मैथ का और उसके बाद शाम को इंग्लिश का लगता है। बहुत अच्छा, थैंक यू। सब बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। इसी के साथ में अगला जो आपका रूम है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हाँ, ब्लॉक ई CBSE के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वहाँ भी आप लोग विजिट करवाएं। ये आपका ब्लॉक ई जो है इसके बच्चे भी यहाँ रेगुलर अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे और जो फाउंडेशन के लिए गए हुए वो अभी नहाने के लिए गए हुए, वो अभी सर नहाने के लिए गए हुए हैं, वो वापस आएंगे उसके बाद उनका नहाना। और जो बच्चे हैं जो फाउंडेशन कोर्स करते हैं 11वीं और 12वीं के साथ में डिफेंस का, वो बच्चे भी ग्राउंड से अभी आएंगे, अपने वहाँ से चल के अभी आए हैं। जी सर। वो बच्चे भी पढ़ने के लिए उनकी भी इसी प्रकार से व्यवस्था है सर। इसके अलावा एक रूम और है जो जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे सभी अलग अलग रूम्स में जो है बच्चों को बैठा दिया जाता है, इससे बच्चे आराम से पढ़ाई कर सकें और उन बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए। ये देखिए इसमें फिर से बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? दुर्गेश। क्लास? 9th क्लास। तो हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम, पढ़ाई कैसी होती है, कोई समस्या आती है, परेशान तो नहीं करते हैं, घर की याद तो नहीं आती है? कभी होता हो भाई सर मुझे तो घर की याद आती है, मम्मी की याद आती है। ये भी करी है। शाम को क्या करवाते हैं, ये खेलने के लिए कितना समय देते हैं? 1 घंटा। थैंक यू, बैठो। तो इस प्रकार से पढ़ाई की जो व्यवस्था है ताकि बच्चों को हॉस्टल में रह करके अच्छी पढ़ाई हो सके, उनको किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए, इसके लिए पूरा सेटअप जो है पढ़ाई से संबंधित जैसा ही सुबह कर रखा है ऐसा ही ये
इवनिंग में भी इसी प्रकार से जी सर सेम आप रखते हैं बिल्कुल। और बीच में जब इन बच्चों को ट्यूशन करना होता है तो एक अलग रूम जो है सेट है, वहाँ टीचर आ जाते हैं और बच्चे ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। इसके बाद में बच्चे जैसे यहाँ से फ्री होंगे उसके बाद आप उन बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए ले जाएंगे सर। ब्रेकफास्ट के बाद में फिर वो स्कूल आ जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद स्कूल आ जाते हैं। ब्रेकफास्ट जो है हम चाहेंगे कि जैसे आपका ब्रेकफास्ट शुरू हो तो समय हमें बुलवाया जाए ताकि ब्रेकफास्ट को भी विजिट कर सके। जी सर जी सर। टन के अनुसार चलता है ये। आज छोले भटूरों का टन था इसलिए आज छोले भटूरे ही दिए जाएंगे। पर डे जो ब्रेकफास्ट है उसमें वो चेंज होकर के और आप ब्रेकफास्ट देते हैं। जी सर। अलग अलग जो वार होते हैं उसका क्या क्या देते हैं आप ब्रेकफास्ट में? हमारे जैसे पूरी सब्जी हैं, परांठे हैं, दही परांठे, छोले भटूरे हैं, पोया है, नमकीन चावल हैं, ऐसे सारे अलग 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 ब्रेकफास्ट। जी सर। आज क्या मिल रहा है? छोले भटूरे। छोले भटूरे आज ही दे रहे हैं पर डे देते हैं या अलग अलग देते हैं? अलग अलग देते हैं। छोले भटूरे वीक में कितने दिन मिलते हैं? एक बार। अलग अलग बार का ध्यान है क्या क्या मिलता है? क्या क्या है बताओ? मंडे को चावल मिलते हैं जी, ट्यूजडे को बिस्कुट, अच्छा, और वेडनेसडे को पराठे मिलते हैं, दही पराठे, छोले भटूरे, अच्छा, और फ्राइडे को चावल मिलते हैं। मतलब अलग अलग डे के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रेकफास्ट आपको दिया जाता है। हमारे सर जैसे गुड़गांव से बच्चे हैं। गुड़गांव से कौन है? वेरी गुड। नाम क्या है बेटा? प्रीत। प्रीत, गुड़गांव से आप राजस्थान आए हो, बानसूर आए हो, समस्या क्या है बताओ? कोई प्रॉब्लम? मस्त हो, खुश हो? अब बच्चों के खाने का यानी लंच का टाइम हो चुका है और लंच में बच्चे अब लंच करेंगे। आप देख रहे हैं कि उसमें हाइजीनिक जो घर की तरह जो खाना बच्चों को मिलना चाहिए, चावल, आगे क्या अभी दाल, चपाती, दही, सलाद, ये बच्चे ताकि घर की तरह जो है बच्चे खाना खा सकें और बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्याएँ नहीं आए। हॉस्टल में रहकर बच्चा शारीरिक विकास उसका अच्छा हो, उसे किसी प्रकार की कोई मानसिक टेंशन नहीं हो, खुले और हवादार इस हमारे इस बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो सभी ग्राउंड जो बने हैं खुले हवादार ग्राउंड में बच्चे शाम को जैसे अब आप देख रहे हैं लगभग 6 बजने वाले हैं तो लगभग 5 बजे से 6 बजे तक एक घंटे के लिए बच्चे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है रेगुलर करते रहते हैं। इस समय ये जो बच्चे जो हैं आप देख रहे हैं कि खो खो जो है खेल रहे हैं तो विशेष रूप से बच्चों को खो खो, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल तीन के लिए तो बिल्कुल तैयार करके और हम हॉस्टल से ही टीम तैयार करते हैं जिससे वही टीम आगे चल करके जब स्कूल स्तर पर कोई गेम होते हैं या स्टेट लेवल या जिला लेवल पर या नेशनल लेवल पर यदि कोई गेम होते हैं तो उसमें हम बच्चों को यहीं से तैयार करके हॉस्टल के विद्यार्थियों को स्कूल की ओर से पार्टिसिपेट करवाते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल की टीम, वॉलीबॉल की टीम, इसके अलावा रेसलिंग के जो बच्चे हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल कई बार हॉस्टल के बच्चों ने प्राप्त किए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शाम को पर डे एक प्रकार से प्रैक्टिस इनको रेगुलर एक घंटे की पर डे करवाई जाती है और उसी के रिजल्ट हैं कि शंकरलाल जी ये जो बच्चे जो हॉस्टल के जैसे विकास है, बहुत सारे अपने जो बच्चा राकेश है, रवि, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं
5 गोल्ड आ चुके हैं सर। हॉस्टल में 5 गोल्ड मेडल बच्चे ला चुके हैं। कई विद्यार्थी आपने जैसे सुबह भी देखा कि मैंने देखा तो उसमें गुड़गांव से बच्चे हैं, भिवाड़ी से कोई बच्चा 5 साल से रह रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग स्टेट के हैं, कोई 5 साल से रह रहा है, 6 साल से रह रहा है। वो रहने का सबसे बड़ा कारण, वरना बच्चे क्या है साल भर में हॉस्टल चेंज कर देते हैं, 2-4-5 महीने में उनका मन नहीं लगता, वापस चले जाते हैं। यहाँ मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि बच्चों को इस प्रकार से एक माहौल उपलब्ध करवाया जाता है कि बच्चे को घर की याद ही नहीं आती है। एक सिस्टमेटिक आप सुबह से देख रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चा सुबह 4:30 बजे से उठ करके और पूरी एक्टिविटीज हमने विजिट की है। इसके बाद में शंकर लाल जी अभी जैसे स्पोर्ट्स, इसके बाद की एक्टिविटीज, इसके बाद में सर हमारे जो है अभी असेंबली का कार्यक्रम रहेगा, इसमें अटेंडेंस वगैरह होंगी, कुछ बच्चों का जो है मौन ध्यान वगैरह होगा, कुछ प्रेयर्स होंगी। तो ये सारी मतलब अभी आपका इसके जस्ट गेम के बाद में बच्चों जो है उनका अटेंडेंस करवाएंगे जी, बच्चों का, फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटीज होंगी जी सर। फिर नाइट क्लासेज जिनमें आपके ट्यूशन, नाइट क्लास है सर, नाइट को भी क्लास मतलब ट्यूशन की जो क्लासे है मॉर्निंग में, दोपहर में, बाद में और फिर नाइट में जो है वो ट्यूशन की क्लासेज भी चलती है, जिससे बच्चा बिजी भी रहता है और पढ़ाई के साथ साथ में वो एक्टिविटीज भी सीखता है। तो हम चाहेंगे कि अब इसके बाद में जो असेंबली होगी उसको भी हम पेरेंट्स से विजिट करवाएंगे। 35 यस सर, 36 यस सर, 37 38 यस सर, 39 यस सर, 40 यस सर, 41 बच्चों का स्पोर्ट्स हुआ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बाद में बच्चों का असेंबली हुआ, उनका अटेंडेंस हुआ, उसके बाद में बच्चे डिनर के लिए पहुँचे हैं। अभी सभी बच्चों का डिनर होगा, डिनर के बाद में ये बच्चे फिर वो जो पढ़ाई का जो सिस्टमेटिक जैसे मॉर्निंग में आपने देखा उस प्रक्रिया पर फिर से ये इवनिंग की जो क्लासें होंगी उसमें पहुँच जाएंगे, इवनिंग का जो ट्यूशन होगा उस पर पहुँच जाएंगे। तो अभी डिनर जो है वो होगा, और डिनर के लिए मैं चाहूँगा कि आप पेरेंट्स जो हैं उनके लिए आप दिखाएंगे डिनर जो है किस प्रकार से, मतलब हेल्दी भोजन, चाहे वो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड हो पर डे चेंज होकर के, इसी प्रकार लंच का जो है उसमें भी चेंज होकर के खाना मिलता रहता है, और इवनिंग का जो खाना है वो भी चेंज होकर के डाइट जो बना हुआ है डाइट चार्ट उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो अभी डिनर जो है वो बच्चे करने के लिए आएंगे, मैं चाहूँगा कि आप डिनर करवाएं बच्चों को। आज हॉस्टल का जो टूर था उसमें मैं बता दूं अभिभावकों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आज सुबह 4:30 बजे से और अब इवनिंग के जैसे कि 7 बज चुके हैं, पूरी प्रक्रिया हॉस्टल में आपका बच्चा किस प्रकार से रहता है या हॉस्टल में किस किस प्रकार से पूरा दिन बच्चों का गुजरता है वो पूरी प्रक्रियाएं शंकर लाल जी आप ने और हमने आज पेरेंट्स जो है उनको विजिट करवाई, उसके अंतिम पड़ाव की तरफ हम सब लोग हैं।
मैं बताना चाहूँगा कि अब डिनर के बाद में बच्चे वही सुबह जैसे अलग अलग रूम में बैठ करके पढ़ाई शुरू करते हैं, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आराम से रूम में बैठ करके वो पढ़ाई करें। उसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया था कि बच्चों के लिए हॉस्टल में ट्यूशन की जो क्लासें हैं वो सुबह छुट्टी के बाद जी, और नाइट जो क्लासें हैं वो ट्यूशन की क्लासें भी चलती हैं। हम ये तीन और आपको आज विजिट करवाना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि अभी जो आपके ट्यूशन जो क्लासेज चल रही हैं और ट्यूशन क्लासेज जो इवनिंग की हैं उनको हम फिर पेरेंट्स से बताना चाहेंगे कि इवनिंग की जो क्लासेज विजिट आप करें। इस समय इंग्लिश की चल रही है सर, क्लास 12th के जो बच्चे हैं उन बच्चों की इंग्लिश की इवनिंग क्लास जो है वो चल रही है और उसमें इंग्लिश के जो सर हैं वो रेगुलर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये जो क्लासें चलती हैं, मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स को कि बच्चा जब क्लास में पढ़ता है अगर वहाँ को डाउट्स बच्चे के रह जाते हैं, किसी कारण से कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो फिर बच्चे जो हैं उनको डाउट्स क्लियर करने के लिए क्लासेज जो हैं ये रेगुलर हम लगाते हैं। जैसे ये मैं बताना चाहूँगा कि इस समय ये जो क्लास चल रही है ये क्लास 12th के जो बच्चे हैं इनके हॉस्टल के इंग्लिश की क्लास सर ले रहे हैं। चल रही है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा बच्चों की जो क्लास चलती है ये इवनिंग में आप लेते हैं हमेशा नाइट में लेते हैं? नाइट में पॉसिबल कैसे है, क्योंकि आप यहाँ रहते हो, आप यहीं रहते हो तो यहाँ बेटा आप लोग भी बताएं आप इसमें पूरा सिलेबस करवाते हैं या जो आपके डाउट्स रहते हैं वो क्लियर करते हैं? यहाँ जो सर पढ़ाते हैं वो ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स आपके ज्यादा करवाते हैं, फिर आप उसका रिविजन कर लेते हो। अब इसके बाद में ट्यूशन खत्म होगा, फिर आप लोग सेल्फ स्टडी के लिए फिर से, जैसे सुबह आप लोग सेल्फ स्टडी करते थे उसी प्रकार से फिर से सेल्फ स्टडी शुरू करेंगे। जी सर। तो आप ये लगभग कितने समय के लिए क्लास लेते हैं? एक आवर चलता है सर। लगभग एक घंटे की क्लास आप लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये बच्चों की इवनिंग की क्लास जो है वो चल रही थी जी सर। इंग्लिश के जो सर हैं चूँकि अपने पास यहीं रहते हैं हॉस्टल में, इनका स्टे यहीं है। इसके अलावा मैं बता दूं कि कंप्यूटर के जो टीचर हैं, स्पोकन टीचर हैं और राइटिंग के जो टीचर हैं वो भी यहीं हॉस्टल में स्टे करते हैं जी सर। वो भी बच्चों को अभी जैसे क्लास फ्री उसके बाद में स्टे यहाँ करने के कारण एक कंप्यूटर, स्पोकन और राइटिंग ये तीन क्लासें भी टीचर यहीं रहते हैं, वो लोग भी यहीं पढ़ाते हैं। इसके साथ में ही इवनिंग में भी जैसा कि मॉर्निंग में बच्चे रूम से यहाँ पढ़ाई के लिए इधर इस बिल्डिंग में पहुँच गए थे, सेम वही प्रक्रिया शाम को रहती है। बच्चे केवल अपने रूम में सुबह 4:30 बजे तक सोते हैं जी सर। उसके बाद में बच्चा वहाँ से फ्रेश होकर के नहा धोकर के यहाँ पहुँच जाता है जी सर। फिर सुबह उसकी जो क्लासेस चलती हैं वो लेते हैं, उनकी क्लासों के बाद में वो स्कूल पहुंच जाते हैं जी सर, ब्रेकफास्ट करके स्कूल पहुंच जाते हैं। उसके बाद में जैसे छुट्टी होती है, छुट्टी के बाद में फिर से उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं जी सर। बच्चा अपने रूम में केवल 1 से 1.5 घंटे दिन में रेस्ट करता है, उसके अलावा रात को सोने के लिए जाता है। बाकी पढ़ने की जो पूरी प्रक्रिया है वो जैसे मॉर्निंग में भी वो प्रक्रिया थी, सेम वैसी प्रक्रिया वही बच्चे आपको फिर से उस रूम में मिलेंगे। जैसे सुबह भी आप लोगों ने देखा था लगभग 5 बजे के आसपास से बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, फिर से ये बच्चे यहाँ अब इवनिंग की जो क्लासें हैं उसमें फिर ये बच्चे यहाँ बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो लगभग सेल्फ स्टडी के रूप में बच्चे लगभग सर सेल्फ स्टडी बच्चों की कितनी हो जाती है सुबह और शाम को लगाकर? लगभग 4 से 5 घंटे बच्चे सेल्फ स्टडी जो है मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासों में कर लेते हैं। निश्चित एक बच्चे को क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो स्कूल में पढ़ करके आया है, उसको जब तक खुद रिपीट नहीं कर पाएगा, जब तक खुद उसको नहीं देखेगा जी सर, जब तक खुद उसको याद नहीं करेगा तब तक बच्चे की याद नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया हम लोगों ने कर रखी है। इसके बाद में बच्चे लगभग 10:30 बजे तक, 10:30 बजे तक इसी प्रकार से बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद में ये जाकर के रेस्ट करेंगे, फिर वही मॉर्निंग से जैसे आपको सुबह हमने बताया था उसी के अकॉर्डिंग ये प्रक्रिया जो है रेगुलर चलती रहती है। तो मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि हॉस्टल में आपके बच्चे
कहीं भी रहें, उस हॉस्टल में यदि उसको घर का जैसा माहौल नहीं मिलेगा, उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो बच्चे का हॉस्टल में रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो हॉस्टल में ये नहीं कि केवल बच्चे को पैक करके रख दिया गया, आपने देखा कि सुबह से लेकर शाम तक पूरे टाइम टेबल जो है सेट कर रखें और आपके बच्चे को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है बच्चों को नहीं है, इसका पूरा ध्यान हम हमारी तरफ से रखते हैं। क्योंकि हॉस्टल में आपने बच्चों को इसलिए रखा है कि आपका जो बेटा या बेटी है वो हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करें, अच्छे उसके मार्क्स आएँ, इसके लिए पूरा सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है। और आज का ये जो आप लोगों ने पूरा विजिट किया, इसके लिए पुनः मैं सबको और मेरी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने जो सिस्टम दिखाया, इसके लिए शंकर लाल जी को थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू।